So, my dear student, earlier we have discussed about inductance, and today we shall discuss it about in a very elaborated manner. So, before beginning this topic, I would like to tell you something. कि कुछ दिनों पहले, दो दिन पहले, गैलीलियो साहब का बर्थडे था. गैलीलियो के बारे में आप सभी जानते हैं कि उन्होंने टेलीस्कोप बनाया था. साथ ही साथ एक और फैक्ट है उनके बारे में कि उन्होंने सबसे पहले चैलेंज किया था कि यूनिवर्स जो है वो उसमें सूरज पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमता है बल्कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है. और इस खोज के बदले में चर्च ने उन्हें लंबी जेल और यातनाएं दी, लेकिन अंत तक वो अपने सर से डिगे नहीं. उस लंबी यातना और जेल के दौरान उनकी आंखें तक खराब हो गई. अंततः चर्च को भी ये मानना पड़ा कि उनकी बात सही है, हालांकि ये काफी बाद के वर्षों में हुआ. तो मैं ये कहूंगा कि आप बकौल सौरभ द्विवेदी की संस्कारी बनिए, साथ ही साथ साइंसकारी भी बनिए. तो इंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इंडक्टेंस होता है क्या. ये यूनिवर्सल फेनोमेना है जो आपको न केवल विज्ञान में देखने को मिलेगा बल्कि हर जीवन के हर चरण में देखने को मिलेगा. कंसीडर अ क्वायल. दिस इज अ क्वायल and when you will increase the current in this coil, what happens? The increasing in current delays. जब आप इस coil में current flow कराना शुरू करेंगे तो क्या होना शुरू हो जाएगा कि ये current उस रफ्तार से नहीं बढ़ता है जिसकी आपने expectation कर रखी है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा inductance की वजह से होता है. यानी inductance एक तरह का रेजिस्टेंस है जो कॉइल में होने वाले किसी भी तरह का परिवर्तन, यदि वो ईएमएफ से रिलेटेड है या करंट से रिलेटेड है, उसका विरोध करता है. कैसे विरोध करता है? बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इफेक्ट. मतलब अगर इसमें करंट बढ़ रहा है तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जो इस करंट को बढ़ने नहीं देगा. दूसरे शब्दों में कहा जाए, दूसरे तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि यदि ये क्वायल है और इसमें करंट ये डिक्रीज हो रहा है, दिस करंट इज डिक्रीजिंग, द करंट इज डिक्रीजिंग. अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो इस क्वायल की प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से इस करंट के वो घटने का विरोध करेगा. यानी करंट जिस रफ्तार से घटना चाहिए उस रफ्तार से घटेगा नहीं. और क्या होगा कि इसमें इस क्वायल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो इस करंट को घटने नहीं देगा. यानी करंट अगर इधर घट रहा है तो इसी डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जो इस करंट को घटने नहीं देगा और उसे सपोर्ट करेगा, यानी उसके डिक्रीजिंग को डिले कर देगा. तो जो ये प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच द चेंज इन करंट या द चेंज इन ईएमएफ इन द क्वायल इज डिलेड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ या ड्यू टू द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ. दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज नोन एज इंडक्टेंस. इट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. यू मे कंसीडर इट एज फ्रिक्शन. जैसे आप मोशन में फ्रिक्शन को कंसीडर करते थे जो मोशन का विरोध करता था किसी भी तरह के मोशन का, वैसे ही यहां इंडक्टेंस है जो करंट के किसी भी तरह के चेंज का या ईएमएफ के किसी भी तरह के चेंज का विरोध करती है. कैसे करती है? बाय प्रोड्यूसिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो ये प्रॉपर्टी जो है उसको हम कहते हैं इंडक्टेंस. आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर. आप यहां देखो आपका करंट बढ़ रहा है तो यहां इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है ताकि इस करंट के ये जो आपका करंट आई है उसके बढ़ने का विरोध कर सके. दूसरे केस में देखिए यहां पर डिक्रीज हो रहा है, करंट
इट अपोजेस एनी काइंड ऑफ चेंज इन करंट ऑब्लिक ईयर बाय इंड्यूसिंग एंड ईएमएफ इन इट. So this is the definition. Inductance, it is very similar to the friction and it is the property of the coil. ये उस coil की property है जिसकी वजह से coil में किसी भी तरह के current या EMF में कोई change हो रहा है तो वो उसका विरोध करती है. और विरोध करने का ऐसा तरीका क्या था, ये खुद अपने अंदर एक EMF produce करेगी और उस change का विरोध करेगी. बढ़ रही है current तो बढ़ने नहीं देगी, घट रही है तो घटने नहीं देगी. ऐसा going in the coil and induce EMF will be produced in the coil which will oppose the
देखते हैं कैसे होगा। Then d phi upon dt is equal to dy dt of li. You know that this L is constant, it will not change. तो constant का differentiation में कोई मतलब नहीं बनता है, ये तो throughout the process constant होगा, change क्या होगा current di upon dt. And you know that पहले ही हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज व्हाट इंड्यूस ईएमएफ, और वो भी किस कैसा होता है निगेटिव, माइनस डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू ई, यानी डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई. सो ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. अब आप सवाल ये करो कि ये निगेटिव का मतलब क्या हुआ. निगेटिव का मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में करंट चेंज हो रहा होगा, यानी करंट अगर इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो ईएमएफ क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा. अगर इस डायरेक्शन में करंट डिक्रीज हो रहा है तो करंट किधर प्रोड्यूस होगा, जो करंट के डिक्रीज होने का विरोध करे, यानी कि उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा घटने की कंडीशन में जिधर करंट बढ़ रहा हो. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. इट्स अ वेरी सिंपल वन. ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए. क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन शो. सो व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन शो, इट शोस दैट द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ विल बी ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. जिधर करंट चेंज हो रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. अब आप चाहे तो इंडक्टेंस को इस टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं. कैसे, चलिए देख लेते हैं. It is equal to L di by dt. So L is what? E upon di by dt. So inductance can be defined as the EMF induced in the coil with respect to rate of change of current. So what is inductance? Again, inductance can be defined as the induced EMF produced in the coil with respect to rate of change of current. That's a very simple one. तो आप ऐसे इसको define कर सकते हो. Unit वाली होगी Weber per ampere inductance की, जिसको हम कहते हैं Henry. तो अब हम क्या लिखेंगे कि L जो आपका inductance की unit है, जिसे आप अभी तक क्या बोल रहे थे Weber per ampere, इसको हम कहते हैं Henry, and it is represented by capital H. तो ये important है. एक number का question आता है सीधे. What is the unit of inductance? तो आप सीधे बोलोगे inductance की unit क्या होती है, Henry होती है. बहुत ज़्यादा elaborate करने की ज़रूरत नहीं है और आपको ये जानना चाहिए. Henry was also conducting the practice. देखिए Faraday और Henry इनके time के लोग थे. Henry American थे. प्रैक्टिकल्स कर रहे थे, कंडक्ट कर रहे थे जो फैराडे साहब कर रहे थे, यानी वो भी इंड्यूस करंट के ऊपर काम कर रहे थे. तो दोनों का समय एक था और दोनों की पोजे एक सी थी, इसलिए इंडक्टेंस की क्रेडिट जो है क्रेडिट नहीं कहा जा सकता और उनके सम्मान में इस यूनिट को हेनरी कहा जाता है. तो चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में. हाँ, तो हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है इंडक्टेंस के बारे में वो है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस. शुरुआत करते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस से. सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस वही
ईएमएफ और करंट, तो वो कॉइल की प्रॉपर्टी है सेल्फ इंडक्टेंस, जिसकी वजह से कॉइल जो है अपने अंदर होने वाले किसी भी तरह के करंट या ईएमएफ के परिवर्तन का विरोध करती है। तो वो वही हमने पढ़ा था, जो अभी हमने इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा, एक्चुअली इट वाज सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, सेल्फ इंडक्टेंस भाई तो आपने पढ़ा अभी तक, यानी प्रॉपर्टी आपके पास जिसकी वजह से ये अपने अंदर होने वाले करंट या ईएमएफ का किसी भी तरह के परिवर्तन का विरोध करती है बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ। अभी हम सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे कोर्स में है। सोलेनोइड पहले ही आप आ चुके हो, चलिए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट सोलेनोइड है स्टैंडर्ड। The number of turns per unit length of this solenoid is n. Number of turns per unit length is equal to n. और इसमें जो करंट है, flowing current is I. इसमें I and you know that the current I flows through this wire, flux will be associated with the coil. इससे magnetic field lines pass करना शुरू कर देंगे और आप क्या देखोगे, since it's a coil, so an induced EMF will produce in this coil. ये solenoid coil में भी induced EMF produce होगा, तो इसका self inductance होगा। तो number मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड दैट इज इक्वल टू व्हाट हमने पहले पढ़ा था, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ स्पेस, फ्री स्पेस अगर इसमें कोई मटेरियल नहीं है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आई, आई इज द करंट फ्लोइंग द सोलेनोइड। ये चीजें हमने पढ़ रखी है। अगर इस सोलेनोइड की टोटल लेंथ हमें पता हो एंड इफ इट इज इक्वल टू एन, तो वी नो दैट दिस एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन, दिस इज योर फर्स्ट रिलेशन। देन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स will be equal to n n. This capital N is what? Total terms. तो हमें total terms के बारे में पता चल गया। Again the same relation can be written as, again the same relation can be written as b is equal to mu naught total flux will be NBA.
A from this we may write phi is equal to n, the value of B is equal to mu naught n I upon L into A. Ultimately it comes to a conclusion that phi is equal to mu naught n square I A by L. This is the flux associated with this wire. Now when you will consider that inductance of that wire is L, let inductance of solenoid is equal to L, then the associated flux phi will be equal to Li. Let this is the second and the third. So this second and third both are equal. On comparing second and third. Second and third जब हम compare करेंगे, what we shall get? Li is equal to mu naught n square I A upon L. So this is I. So this I will be cancelled by this I and the inductance of the solenoid, that is self inductance of the solenoid comes mu naught n square A by L. So here you know that A is the area of coil, that is equal to pi r square.